रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग आपके पास फोन है? फोन नहीं है मेरे पास। दीदी आपका फोन यूज कर सकते हैं हम? जी भागने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुझे इस दुनिया से ही भगा देता हूं। लगता है पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं, शायद इसी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसने खाना नहीं खाया? अरे ये तो हमारा खून पीती है, खून, और खून पी के ही जीती है। रूपा जी जहर उगलना बंद कीजिए। कहाँ हो गया आपको? बोले चले जा रही हूँ, बोले चले जा रही हूँ। हमने वहां भी कहा था बस बहुत बहुत हो गया। देखो उसकी हालत देखिए, देख रही आप? अभी भी आपको यकीन नहीं हुआ? अब बोलिए क्रिस्टी ने मधुमक्खी बुलाई थी कहीं से और वो आके नाटक कर गई काटने का। तुम्हें अचानक बड़ा भरोसा हो गया इस लड़की पर? हा? इसकी सारी हरकतें भूल गए तुम? अरे एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज लड़की है ये। सृष्टि ये क्या तरीका है? तुमने कुछ खाना क्यों नहीं खाया? वही तो बेटा, अगर ये खाना खा लेती तो यहाँ आके बेहोश होने का नाटक कैसे करती? सबको फंसाने के लिए सब कुछ कर रही है। आंखें बंद करके 10 मिनट पड़ी क्या रह गई? तुम सब तो इसके चरणों में पीछे जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम रुको हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। ये रॉकी? मार्टी। अरे ये देख लो, ये बड़ी खातिरदारी कर रहा है। खाना खिलाने की क्या जरूरत है? हाथ टूट गए इसके, इसको खाना दिया वही बहुत बड़ी बात है। चलो जी जी। ले चलो। रोजी आपकी पत्नी बहुत जिद्दी है। ऐसे केस में विक्टिम का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। आ,
काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। तुम्हें पता भी वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे? कुछ नहीं आता तुम्हें, कितना भी पैसा खिला लो, कुछ भी करा लो, तुम्हारे पास की कुछ भी नहीं। तथास्तु पुत्री, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रार्थना कर रहे। वैसे चीटिंग है भगवान जी, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब इनकी प्रार्थना प्रातः और हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना कर रहे सच में, और आपको ऐसे मजाक क्यों सूझ रहा है? मजाक? हम नहीं दानी, ये गलत बात है। ऐसा इल्जाम हम पे मत लगाओ, हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय इंसान मतलब मजाक थोड़ी ना करेगा। वत्स, तुम्हारी मनोकामना तुम्हारी पत्नी ही पूरी कर सकती है। देखा, भगवान जी ने हमारी सुन ली, कहा कि हमारी पत्नी हमारी मनोकामना पूरी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी प्रार्थना मजाकी है। क्या है ये सब? ध्रुव जी, आपको कोई अंदाजा भी आज हम पर क्या बीत रही थी, इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे थे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि हम पे क्या बीत रही थी? सामने मौत थी और तुम नहीं थी हमारे साथ, और एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि हम तुम्हें दोबारा कभी देख नहीं। दोबारा ऐसी बातें कभी मत करिएगा, ठीक है? नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि अगर भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं तो। कौन सी प्रार्थना? कब से प्रार्थना की बात कर रहे हैं आप? वही जिसके लिए हम लखनऊ से यहाँ आए। वो क्या? चांद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून। मून? हाँ, तो चांद देखने आए हैं, खुली वादियाँ एंजॉय करने आए, घूमने आए हैं हम ना यहाँ पर। घूमने आए हैं? हाँ, घूमने फिरने आए। और नहीं तो क्या, घूमने ही तो आए। अगर हमारी पत्नी को हमें तड़पाना आता है तो हमें उसे मनाना भी आता है। तू ही जिंदगी, तू ही है।
जिसने घर में गुंडे बुलवाए थे, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई अपने ही घर में डाका डलवाते हुए और अपने ही भतीजे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने? ये सब तुम क्या बोल रही हो? अब हमने हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया तुमने? ठीक है, फिर हम सबको बुलाते हैं, फिर तुम उनसे कहना कि तुमने कुछ किया है या नहीं किया है। ठीक है फिर, जाओ बता दो। वैसे भी तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, हम जानते हैं। फोन दो अरे क्या कर, हमारा फोन छोड़ो। फोन दो। क्या लगा तुम इतने आसानी से यहाँ से चले जाओगे? फोन दो इधर। फोन छोड़ो हमारा। छोड़ो फोन। फोन दे दो हमें। सिस्टी, अब ये क्या नई नौटंकी है? छोड़ो इसे। ए दीपक, क्या कर रहा है? छोड़, मैं को लड़ाई कर रहा है। सिस्टी दूर हो हमारे भाई से, क्यों परेशान करिए उसे? छोड़ो,
दीपक हुआ क्या पहले ये तो बताओ। अरे दीपक कैसा तू और इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहा है? कुछ पूछ रहे तुझसे दीपक, बाहर कहाँ जा रहा है तू इतनी रात को? या फिर से सुश्री ने कुछ किया क्या? पापा यार क्या हुआ है? पापा बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ पर? और आप सबके ये चोटें कैसे लगी? बच्चे वो पेमेंट आई थी अभिषेक वाला आया था ना, वो तो हमारी नौकरानी ने देख लिया रखते हुए। और जब हम पानी लेने गए थे तब हमने इसे किसी से बात करते हुए सुना, फिर हमें पता चला कि ये सब इसी ने करवाया है, पैसे लूटने के लिए इसी ने गुंडे भेजे थे। ए, क्या बकवास कर रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारे बेटे ने ये सब किया है? आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? तो ये लीजिए दीपक का फोन, लास्ट डायल में से आप कॉल करके चेक कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। बच गया ना तू, किसी ने सुने तो नहीं तुम्हारी बात? नहीं वो चल बढ़िया है, अगली बार के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तू अच्छे से नजर रख कर दे, जैसे दोबारा पैसा आए बता देना, हम फिर संभला बोल देंगे। तोरे हमले की ऐसी की तैसी हम बाद में करेंगे, अभी पहले जरा अपने साहबजादे की चमड़ी उधेड़ ले। इधर आओ। पापा बेशरम शरम नाम की चीज नहीं बची का, जिस थाली में खा रहा हो उसी में छेद कर रहा हो, जिस घर में रह रहा हो वहीं पे टाका डाल रहा हो, अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा तुमको? अरे बस करो भैया बस करो, कितना मारोगे? मार मार के जान ले लोगे क्या हमारे भतीजे की? गलती हो गई, बच्चा है, रास्ता भटक गया था, अब बस भी करो, माफ कर दो उसे। हाँ हाँ बेचारा मासूम बच्चा है, बस करो, वो सृष्टि तो बूढ़ी थी ना, उसने जो गलतियाँ की वो तो वाकई गलतियाँ थी, उसको तो जेल में डाल देना चाहिए। ये तो बहुत बच्चा है, क्योंकि आपके भाई का बेटा है इसीलिए ना, उसने जान पे खेल के आपको असली मुजरिम आपको पकड़वाया, कुछ नहीं, आपकी पोती जो है उसकी जान बचाई, कुछ नहीं। ये बच्चा है इसे माफ कर देना चाहिए, सृष्टि को माफ नहीं करना चाहिए। कब से गिड़गिड़ा रही है कि मुझे माफ कर दो माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, एक बार भी उसकी तरफ जो है आपका करुणा की नजर नहीं गई आपकी। ये नहीं देख रही जिसकी वजह से आज आपके काशीनाथ पांडे को यहां पर लग गया, ये नहीं दिख रहा वो इसीलिए क्योंकि वो आपके भाई का बेटा है। पर वो बच्चा है। रूपा काशी ठीक कह रहा है, दीपक की गलती माफ करने लायक नहीं है। जीजी, आप भी? जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये माफी के काबिल कत्ता ही नहीं है। ये जी वो गुंडों के साथ साथ इसको भी अंदर करवाइए। सुन तू कहीं नहीं जाएगा, वादा करते हैं तुझसे कि सबसे माफी दिलवा कर रहेंगे हम। पापा हम जानते हैं कि हमें ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, अगर हो सके तो दीपक को माफ कर दीजिए प्लीज। कहाँ हो गया ध्रुव बचवा, अगर अभी इसे रोका नहीं गया तो कल को चल के ये बड़ा क्राइम करेगा। आज माफी नहीं इसे सजा देनी चाहिए। हम कह रहा हूं इसकी लालच को बढ़ावा नहीं दे। नहीं पापा, हम दीपक के लालच को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि उसे गलती सुधारने का मौका दे रहे, नया जीवन दे रहे। आज आप उसे अगर सजा दिलवा देंगे
तो उस पर ये भारी पड़ सकता है। कच्ची उम्र की ना समझी उस पर भारी पड़ सकती है पापा। एक बार सोचिए, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि दीपक की जिंदगी खराब हो जाए। जिंदगी बहुत खास होती है पापा, नफरत में गुस्से में हम नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, और यही बात हमने बहुत मुश्किल से सीखी है। पापा ध्रुव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दरअसल हमारे साथ वहां हनीमून के वक्त एक घटना घटी थी। हम आप सबको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर पहुंच ही नहीं पाए। हमें लगता है इस सब की वजह से ही नहीं पहुंच पाए होंगे। हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमें ये बात समझ आई कि जिंदगी की अहमियत को हम काफी बार नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब उसका असली मतलब हमें समझ में आ रहा है। अब प्लीज एक मौका तो दीजिए ना पापा, इसलिए कह रहे हैं दीपक को माफ कर दीजिए प्लीज। कल का कोई भरोसा नहीं होता है, उसे माफी देकर अपने मन का बोझ हल्का कर लीजिए। और आप तो जानते हैं कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ कर देने वाला होता है।